सो आज इस वाली वीडियो में हम ये सुपर वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी बनाएंगे जो कि राजेंद्र भाई का है एंड ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। तो इनकेस अगर आपको भी कोई गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बनवाना है तो आप डायरेक्ट यार हमसे ही अपना गेमिंग पीसी बना सकते हो। एंड उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट यार जाओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, साथ ही साथ मैं आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात बात करके प्रॉपर डिस्कशन करके हमसे अपना गेमिंग पीसी बना सकते हो। तो ऑर्डर होने के बाद आपको एक वीक के अंदर आपका पीसी आपके डोर स्टेप्स पे मिल जाता है। हम यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग करके एंड पैकेजिंग करके आप तक आपका पीसी भेजते हैं एंड वारंटी वाला जो सीन है भाई सारे पार्ट पे 3 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है, तो यार चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो आज ही ऑर्डर करो अपने लिए एक ब्रांड न्यू गेमिंग पीसी techcommunitystore.in से जो कि हमारी ही साइट है, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे ना वहां से जाके आप ऑर्डर कर लेना। सो पार्ट्स की बात करें तो गाइज यहाँ पे प्रोसेसर के लिए हम यूज करने वाले हैं इंटेल का i5-10400F प्रोसेसर जो कि आप लोगों को यार अभी 10,500 के आसपास देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब वैल्यू फॉर मनी प्राइस है इस वाले सीपीयू के लिए, बिकॉज इसके अंदर आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, हेक्सा कोर सीपीयू है, साथ ही साथ में यहाँ पे अप टू 4.3 GHz की आपको बूस्ट क्लॉक्स मिल जाती है, जो कि यार मोर देन इनफ रहने वाली है, फिर चाहे आपको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो या फिर स्ट्रीमिंग करनी हो, ये वाला प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। एंड अभी यार 12th जनरेशन आने के बाद 11th जनरेशन एंड 10th जनरेशन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो अगर आपको एक बजट में रहकर एक गेमिंग सीपीयू मतलब एक ऑलराउंडर सीपीयू चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली इसको 10,000 के आसपास कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी वैल्यू आपको ऑफर करवा देता है। अब ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है यूज्ड 1666 GB वाला ग्राफिक कार्ड जो कि है Inno 3D का। अब यार मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास एक 1660 यूज्ड पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए होगा तो ले लेना, तो भाई इन्होंने ऑर्डर कर दिया एंड मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे भी 18,000 रुपये इस वाले कार्ड के लिए टोटल वर्थ है। उसका रीज़न ये है कि 18,000 रुपये में अभी के टाइम पे आपको या तो RX 6400 मिलेगा या फिर मिलेगा आपको 1050 Ti, दोनों ही कार्ड 4GB वाले कार्ड है एंड ये वाला जो कार्ड है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बिकॉज इसमें आपको 6GB की VRAM देखने मिल जाती है एंड मेरे हिसाब से यूज्ड पार्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपको अच्छी डील मिल जाती है, अंडर वारंटी पार्ट्स मिल जाते हैं ना, तो डेफिनेटली आप उसको कंसीडर कर सकते हो। एंड अच्छी बात यह है कि यार इस वाले कार्ड के अंदर अभी भी वारंटी बाकी है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। एंड अगर आप लोग यूज्ड ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना चाहते हो ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1050 Ti RX 6400 या फिर आप 1650 भी ले सकते हो नया, जो कि आप लोगों को अराउंड 20-21 हज़ार में मिल जाएगा, तो 1,000-2,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, बाकी अगर आप पुराना लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐसा कोई कार्ड कंसीडर कर सकते हो यूज्ड मार्केट से। सो एज यूजुअल मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे हम MSI का उनका H410 चिपसेट यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक से मतलब जो भी रिक्वायर्ड फीचर है ना वो मिल जाते हैं, ज्यादा ऐसे यहाँ पे आपको RGB वाला कोई सीन नहीं देखने मिलता है। यहाँ पे हम यार परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज जो बजट है ना वो अराउंड 50,000 के आसपास है एंड 50,000 में हम चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस ये वाला पीसी हमको प्रोवाइड करा सके, तो इसलिए इस वाले बिल्ड में हम ये वाला मदरबोर्ड यूज करेंगे एंड इसमें आपको 2 RAM स्लॉट NVMe SSD का स्लॉट भी देखने मिल जाता है, तो प्राइस इसकी जो है वो अराउंड 4000 से लेके 4500 के आसपास मिल जाएगी, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इस वाले बिल्ड में जितने भी पार्ट यूज कर रहा हूँ ना सारे ही पार्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो, सिंगल पार्ट भी परचेस करना हो, तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप जाके पार्ट्स परचेस कर सकते हो एंड उससे हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब रैम वाला सीन ऐसा है कि भाई जो 10th जनरेशन वाले इंटेल के प्रोसेसर है ना ये हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे 2666 MHz वाला रैम लगा सकते थे, बट सीन ऐसा कि यार हमको हीट सिंक वाला रैम यूज करना था, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने XPG की 3200 MHz वाली रैम यूज की है, जिसके ऊपर आपको अच्छी से हीट सिंक देखने मिल जाती है, रैम टाइमिंग भी ठीक ठाक देखने मिल जाती है, साथ ही साथ में ये वाली जो रैम है ना बजट में रह के ब्लैक एंड रेड थीम के साथ आती है, तो लुक्स में यार आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, हालांकि RGB नहीं है। इनफैक्ट इस वाले रैम को आप अंडर 3000 ही परचेस कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी प्राइस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। वहीं स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे गाइस हम 120 GB का A-Data का SATA SSD यूज करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को यार 1800-1900 में मिल जाती है एंड इसके ऊपर हम विंडोज को इंस्टॉल करने वाले हैं, बाकी यार गेम्स एंड मूवीज को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम राजेंद्र भाई के पीसी में यूज करने वाले हैं 1 TB का WD का हार्ड ड्राइव, 7200 RPM वाला हार्ड ड्राइव है एंड 1 TB यार अभी के टाइम पे भी यार मोर देन इनफ रहने वाली है, फिर चाहे आपको मूवीज स्टोर करनी हो, मतलब वो वाली मूवीज नहीं, नॉर्मल मूवीज की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको गाने वाने स्टोर करने हो तो आप आराम से इसके अंदर यार भर सकते हो, 1 TB में यार आपको ऐसे कमी महसूस नहीं होगी स्टोरेज की। एंड आखिरी में इस वाले बिल्ड को पावर अप करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ये एनटेक का 450W का PSU जो कि 80+ वाइट सर्टिफाइड PSU है, बट अच्छी बात ये है कि यार ये वाला जो केस है ना इसके अंदर का जो पोर्शन है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट अच्छा खासा हो जाता है
एंड एक क्लीन लुक अचीव हो जाता है इस वाले PSU के साथ। एंड इसकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा नहीं है, आप अराउंड इसको 2500 से लेके 3000 के बीच परचेज कर सकते हो। बाकी इस वाले बिल्ड के लिए 450 वोट मोर देन इनफ रहने वाला था, दैट्स व्हाई यहां पे हमने ये वाला PSU यूज कर लिया। बाकी अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो आप 550 वोट का PSU भी ले सकते हो, जो कि 400-500 रुपए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करेंगे। सो एट दी एंड कैबिनेट की बात करें तो गाइस यहां पे हम यूज करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका IS-280TG कैबिनेट। अब ये वाला जो कैबिनेट है ना, उन लोगों के लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है जिनको बजट में रह के एक वाइट केस चाहिए था। अब पूरा वाइट तो नहीं आता, अंदर का पोर्शन ब्लैक है, बट फिर भी यार फ्रंट से अगर आप देखोगे ना तो काफी अच्छा लुक ऑफर करवाता है, मतलब मिनिमल सा लगता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको थोड़े से RGB के सस्ते नशे देखने मिल जाते हैं, मेश डिजाइन देखने मिल जाता है, तो एयर फ्लो में भी कोई शिकायत नहीं होगी। RGB आपको फ्रंट में देखने मिल जाती है, साथ ही साथ में बेसिक से जो भी फीचर्स आते हैं ना, जैसे PSU श्राउड, टेम्पर्ड ग्लास, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, ऊपर आप AIO भी माउंट कर सकते हो, तो ओवरऑल किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि यार 3500 या 4000 में आने वाला केस है ये। साथ ही साथ में गाइस एग्जॉस्ट के लिए इस वाले केस के अंदर आपको 120mm का रियर में एक फैन देखने मिल जाता है, जो कि रेनबो फैन है, तो यार ओवरऑल इन शॉर्ट प्रीमियम क्वालिटी का केस फील होता है। डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट था अराउंड 4000। इनफैक्ट बजट में रह के अगर आप कोई व्हाइट केस जुड़ रहे थे तो इसको चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। सो फाइनली इसी के साथ गाइस ये वाला जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड हम इसको पैक वैक करके मस्त यार राजेंद्र भाई के पास भेजेंगे, एंड उसके बाद राजेंद्र भाई एंजॉय करने वाले हैं उनकी गेमिंग। बाकी आप लोगों को ये वाला PC कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, थोड़ा अप्रिशिएट करो यार अपने भाई की मेहनत को। बाकी अगर PC ऑर्डर करना हो तो यार कर लेना मैसेज हमको इंस्टाग्राम पे, ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। बाकी इस वाली वीडियो में इतना था, मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।